नमस्कार मित्रों, आज के इस वीडियो में हम आपको भारत के बहुत खूबसूरत राज्य राजस्थान से जुड़े 50 प्लस रोचक तथ्यों के विषय में बताने वाले हैं, जो कि अपनी परंपराओं, रहन सहन और मनमोहक दृश्यों के कारण देश समेत पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। आपको दोस्तों राजस्थान के बारे में जानना चाहिए, क्योंकि राजस्थान खुद ब खुद एक रोचक राज्य है। नंबर वन, राजस्थान की राजधानी और गुलाबी शहर के नाम से मसूरी जयपुर को सवाई जय सिंह द्वितीय ने सन 1727 में बसाया था। नंबर दो, जयपुर भारत के सबसे पुराने सुव्यवस्थित शहरों में से एक है। नंबर तीन, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश और गुजरात के साथ राजस्थान अपनी सीमा साझा करता है। नंबर फोर, राजस्थान शब्द जब आधा में विभाजित किया जाता है तो शाब्दिक अर्थ लैंड ऑफ किंग्स यानी कि राज, किंग्स, स्टान, प्लेस, लैंड के रूप में आता है, यानी कि राजाओं की भूमि, रॉयल्टी, वीरता और सम्मान की भूमि, यानी कि राजस्थान। नंबर फाइव, इसका क्षेत्रफल 483 वर्ग किलोमीटर का है और 30 लाख जनसंख्या के साथ यह देश का आठवां सबसे जनसंख्या वाला राज्य है। नंबर छः, दोस्तों जयपुर भारत में पर्यटकों का सबसे पसंदीदा जगह मानी जाती है। नंबर सेवन, जैसलमेर और गोल्डन सिटी भी कहा जाता है। जैसलमेर राजस्थान की शाही महलों और लड़ने वाली अठों के साथ रेतीले रेगिस्तान के आकर्षण का प्रतीक है और अपने ही लजीज जनजातीय भोजन और दर्शनीय स्थलों के लिए प्रसिद्ध है। नंबर एट, महाराणा उदय सिंह ने पिछोदा झील के तट पर अपनी राजधानी बनाई, जिसे उदयपुर का नाम दिया गया। नंबर नाइन, रेगिस्तानी भूमि होने के बावजूद राजस्थान में केवल रेत नहीं है बल्कि हरे भरे चरागाह भी है। नंबर टेन, उदयपुर को वेनिस ऑफ द ईस्ट के नाम से भी जाना जाता है और यहाँ की हवेलियों और महलों को देखकर दुनिया भर के पर्यटक मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। नंबर 11, वह पिंक सिटी ऑफ इंडिया जयपुर अपराधों और अपराध दर में पर्याप्त रूप से कम है, जिससे यह भारत में सबसे सुरक्षित शहर में से एक है। नंबर 12, इसके अलावा एक समृद्ध वास्तुशिल्प विरासत, एक काफी योजनाबद्ध टाउनशिप और एक जीवन सांस्कृतिक विरासत का योगदान राजस्थान है। नंबर 13, जयपुर भारत में रहने के लिए सबसे अच्छे शहर में से एक है। एक पर्यटक आकर्षक के रूप में जयपुर सुरक्षा भागफल पर उल्लेखनीय रूप से अच्छा प्रदर्शन करता है और भारत के सबसे सुरक्षित स्थानों में से एक है, जो पूरे वर्ष पर्यटकों के साथ चहकता रहता है। नंबर 14, राजस्थान वह स्थान है जहां आप किसी भी अन्य मवेशियों की तरह ऊंटों को देख सकते हैं। नंबर 15, जयपुर का हवा महल राजस्थान के प्रतिष्ठित प्रतीक के रूप में कार्य करता है। गुलाबी शहर बलुआ पत्थर से निर्मित यह ऐतिहासिक स्मारक अपनी शानदार वास्तुकला के लिए जाना जाता है, जिसमें कुल 953 खिड़कियाँ शामिल है। नंबर 16, भारत में सबसे शांतिपूर्ण जगह के बीच एक निश्चित विशेषता, पैतृक सर बहुत ही रमणीय इलाका है। नंबर 17, जैसलमेर जिले का कुलधारा राजस्थान का एक वीरान शहर है। इसके बारे में दिलचस्प बात यह है कि इस शहर को 1800 के दशक में रातों रात छोड़ दिया गया था। नंबर 18, राजस्थान में चलने वाला प्लेस ऑन व्हील्स रेल दुनिया की सबसे शानदार ट्रेनों में से एक है। नंबर 19, राजस्थान राज्य में कई प्रेतावादित स्थान है, हालांकि उन सभी में बाणगढ़ किला सूची में सबसे ऊपर है। ये भारत में सबसे प्रेतावादित स्थानों में से एक है। नंबर 20, अरावली रेंज पर कुंभलगढ़ कीड़े में 38 किमी लंबी दीवार है और इसलिए चीन की महान दीवार के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा दीवार है। यह किला राजस्थान में अपनी तरह का दूसरे सबसे बड़ा किला है। नंबर 21, राजस्थान के सबसे बड़े किले की बात करें तो चित्तौड़ किला, जिसे चित्तौड़गढ़ के नाम से भी जाना जाता है। नंबर 22, रेगिस्तानी भूमि होने के बावजूद
राजस्थान का एक अनोखा तथ्य है कि यह शीर्ष या पांच भारतीय राज्यों में से एक है जिसमें सबसे अधिक जिले हैं। नंबर 23, राजस्थान राज्य भारत की सबसे बड़ी इनलैंड साल्ट लेक का घर भी है, जो थार रेगिस्तान में सांबार साल्ट लेक है। नंबर 24, राज्य के आकर्षक वन्य जीवों में बाड़मेर और जैसलमेर के शहरों के पास स्थित डेजर्ट नेशनल पार्क भी शामिल है। यह भारत के सबसे बड़े पार्कों में से एक है। नंबर 25, राजस्थान में रेगिस्तान की सफारी का आनंद लेने का सबसे अच्छा तरीका पारंपरिक तरीका है, जो ऊंट की सवारी के माध्यम से है। हर कला और संस्कृति प्रेमी के लिए शिल्पग्राम संग्रहालय वह स्थान है जिसे राजस्थान में छुट्टियां मनाते समय नहीं देखा जा सकता है। किसी भी अन्य सामान्य संग्रहालय के विपरीत यह एक संपूर्ण गांव है जो भारत की पारंपरिक कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए संग्रहालय में परिवर्तित हो गया है। नंबर 26, राजस्थान भी भारत के मुख्य शॉपिंग केंद्रों में से एक है, मुख्य रूप से पारंपरिक हस्तशिल्प और आभूषणों के लिए। नंबर 27, राजस्थान के लोगों का मुख्य व्यवसाय खेती है। यहाँ के मुख्य फसल ज्वार और बाजरा है, जिन्हें मोटे अनाजों से जानते हैं। यहाँ की फसल ज़्यादातर बारिश पर ही निर्भर करती है। राजस्थान एक खनिज समृद्ध राज्य है, इसके विकास के मुख्य तत्व खनन और पर्यटन है। नंबर 28, राजस्थान जनसंख्या के आधार पर पूरे भारत में 8वें स्थान पर आता है। नंबर 29, यहाँ के पहले मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री थे। नंबर 30, यहाँ के पहले गवर्नर गुरुमुख निहाल सिंह थे। नंबर 31, यहाँ के सबसे ऊंचे शिखर गुरुमुख शिखर है, जो कि माउंट आबू में है। इस पर्वत का नाम यहाँ के पहले गवर्नर के नाम पर ही रखा गया है। नंबर 32, माउंट आबू को राजस्थान का शिमला भी कहा जाता है। माउंट आबू में घूमने लायक बहुत सी जगह है जिन्हें देखकर आप यकीन नहीं मान सकते कि आप राजस्थान में हो। नंबर 33, कच्ची घोड़ी राजस्थान का एक पारंपरिक नृत्य रूप है जिसे आपने किसी जगह या टेलीविजन पर देखा होगा। नृत्य एक डमी घोड़े के साथ किया जाता है जो एक नर्तक की बर्बादी पर बंधा होता है। नंबर 34, जैसलमेर जिले में पोखरण एक ऐसा शहर है जहाँ भारत का पहला परमाणु परीक्षण वर्ष 1974 में किया गया था। प्रसिद्ध बॉलीवुड फिल्म पोखरण में पूरे ऑपरेशन की सच्ची कहानी को दर्शाया गया है। नंबर 35, जोधपुर का मेहरानगढ़ किला राजस्थान के महत्वपूर्ण पर्यटक आकर्षणों में से एक है। किले को बॉलीवुड और हॉलीवुड दोनों फिल्मों में चित्रित किया गया है, जिसमें द डार्क नाइट राइज, द जंगल बुक और आवारापन शामिल है। नंबर 36, मेहरानगढ़ किले के बारे में बात करते हुए लोहा पोल के गेट में महाराज मान सिंह की विधवाओं के छोटे छोटे 15 निशान हैं। महाराजा की अंत्येष्टि चिंता पर स्वयं को विसर्जित करने से पहले उनकी पत्नियों द्वारा हाथ के निशान बनाए गए थे। नंबर 37, मंदोदरी हिंदू महाकाव्य रामायण से रावण की पत्नी राजस्थान के प्राचीन शहर मंडोर से थी। नंबर 38, जयपुर के जंतर मंतर में दुनिया की सबसे बड़ी सूर्य घड़ी है। यह 19 आर्किटेक्चरल खगोलीय उपकरणों के समृद्ध संग्रह के साथ यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल भी है। नंबर 39, जोड़ों के लिए राजस्थान एक डेस्टिनेशन वेडिंग के साथ साथ हनीमून के लिए बहुत पसंद किए जाने वाली जगहों में से एक है। नंबर 40, झुंझुनू जिले में मंडावा नाम का एक छोटा शहर है जो चीन के लिए रेशम मार्ग पर स्थित है। यह शहर कई शानदार हवेलियों का घर है जो व्यापारियों द्वारा बनाई गई थी। ये हवेलियाँ खुली हवा की कला दीर्घाओं के रूप में काम करती है, क्योंकि वे आंतरिक और बाहरी दीवारों पर विभिन्न विषयों के चित्रों में सुशोभित है। नंबर 41, ऐतिहासिक स्थान होने के अलावा राजस्थान वन्य जीवों के शौकीनों के लिए एक आदर्श स्थान भी है। इस राज्य में कुल 25 वन्य जीव अभ्यारण्य है और 5 राष्ट्रीय उद्यान है। नंबर 42, राजस्थान के उन कई राष्ट्रीय उद्यानों और वन्य जीव अभ्यारण्यों में से रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कुर रॉयल बंगाल टाइगर की जगह के लिए एक आदर्श स्थान है। इस पार्क को उच्च बाघ घनत्व वाले शीर्ष राष्ट्रीय उद्यानों में भी माना जाता है। नंबर 43, जब सबसे अधिक किलो वाले भारतीय राज्य की बात आती है तो महाराष्ट्र के बाद राजस्थान सूची में दूसरे स्थान पर है। राजस्थान राज्य में 45 से अधिक किले हैं।
नंबर 44, राजस्थान का जीवंत राज्य गर्व से भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान है जो थार रेगिस्तान है, जिसे द ग्रेट इंडियन डेजर्ट के रूप में भी माना जाता है। था यही नहीं, थार रेगिस्तान दुनिया का 70वां सबसे बड़ा रेगिस्तान है और 9वां सबसे बड़ा उपोष्णकटिबंधीय रेगिस्तान भी है। नंबर 45, बहुत कम लोग जानते हैं कि राजस्थान और ताजमहल के बीच संबंध है। ताजमहल में इस्तेमाल किए गए सफ़ेद संगमरमर का राजस्थान के नागौर जिले के मकराना से खनन किया गया था। नंबर 46, राजस्थान सीमेंट का दूसरे सबसे बड़ा स्रोत भी है। नंबर 47, समुद्र तल से 1722 मीटर ऊपर और अरावली पर्वतमाला के उच्चतम बिंदु पर स्थित माउंट आबू राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन है। यह विचित्र हिल स्टेशन झरने, झीलों और हरे भरे जंगलों का घर है। नंबर 48, पश्चिम में एक अनुत्पादक क्षेत्र से लेकर पूर्व में एक उपजाऊ भूमि तक राजस्थान की स्थलाकृति रेतीले रेगिस्तानों और विपुल वनस्पति की पौत्री है। नंबर 49, राजस्थान कई धार्मिक स्मारकों का घर है। सबसे प्रसिद्ध माउंट आबू का दिलावड़ा मंदिर है। अन्य जैन मंदिरों में दिलावड़ा मंदिर स्थापत्य पूर्णता का सबसे सुंदर उदाहरण माना जाता है। नंबर 50, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में कालीबंगन शहर को दुनिया सबसे पहले से जुड़ा हुआ क्षेत्र माना जाता है। लूनी नदी भारत की एकमात्र खारी नदी है जो थार रेगिस्तान से गुजरती है और गुजरात के कच्छ के रण में समाप्त होती है। लूनी भी रेगिस्तान में एकीकृत एकमात्र नदी है।